हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ चैनल प्रेपनेशन। तो आज हम इस लेक्चर में कवर करेंगे 8 जनवरी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज स्टार्टेड द मिशन 929 इन विच स्टेट। भारत के चुनाव आयोग ने किस राज्य में मिशन 929 शुरू किया है? तो किया है ऑप्शन सी त्रिपुरा में, ऑप्शन सी त्रिपुरा। तो त्रिपुरा में इस साल स्टेट असेंबली इलेक्शन होने वाले हैं और इसी के तहत जो त्रिपुरा में 929 पोलिंग बूथ है उन पे फोकस किया जाएगा इलेक्शन कमीशन द्वारा। वहीं इलेक्शन कमीशन ने ये टारगेट रखा है कि जो वोटर टर्नआउट है इन 929 पोलिंग बूथ में उसको 92% तक किया जाएगा, क्योंकि जो त्रिपुरा का जो पिछला स्टेट इलेक्शन हुआ था वर्ष 2018 में, उसमें 89% से भी कम लोगों ने अपना वोट दिया था। और वहीं अगर त्रिपुरा की बात करें तो त्रिपुरा के सीएम है मनिक साहा, तो वहीं गवर्नर है सत्यदेव नारायण आर्य। कोल मिनिस्टर इनॉग्रेटेड ₹300 करोड़ अंगुल बलराम रेल लाइन इन्वेस्टेड। कोयला मंत्री ने किस राज्य में ₹300 करोड़ की अंगुल बलराम रेल लाइन का उद्घाटन किया? तो कोयला मंत्री जो की है प्रहलाद जोशी जी, तो उन्होंने इस अंगुल बलराम रेल लाइन का उद्घाटन किया ऑप्शन सी उड़ीसा राज्य में, ऑप्शन सी उड़ीसा। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू हैव अ सेपरेट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस फॉर विंटेज व्हीकल? निम्नलिखित में से कौन सा पहला भारतीय राज्य बन गया है जिसके पास पुराने वाहनों के लिए एक अलग पंजीकरण प्रक्रिया है? तो इस क्वेश्चन का भी जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए उड़ीसा होगा, ऑप्शन ए उड़ीसा। तो नॉर्मल व्हीकल और विंटेज व्हीकल का जो डिफरेंस है अंडर सेंट्रल मोटर व्हीकल्स रूल 1989, वो ये है कि जो भी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन 50 साल से ज्यादा पुराना होगा उसको विंटेज व्हीकल के कैटेगरी में रखा जाएगा। तो अब उड़ीसा राज्य में क्या होगा कि जितने भी गाड़ी है 50 साल से ऊपर, तो उनको अब अपने गाड़ियों के लिए सेपरेट रजिस्ट्रेशन कराना होगा। वहीं उड़ीसा के सीएम है नवीन पटनायक, तो गवर्नर है गणेशी लाल। Which city in Gujarat received its first in vitro fertilization mobile unit for animals? Gujarat के किस शहर में जानवरों के लिए अपना पहला in vitro fertilization mobile unit प्राप्त हुआ? तो गुजरात के अमरेली को मिला अपना पहला in vitro fertilization unit। ऑप्शन सी अमरेली इसका सही आंसर होगा। तो जानवरों के लिए पहला IVF mobile unit मिला गुजरात के अमरेली को, और वहीं इस IVF लैब को लॉन्च किया था पुरुषोत्तम रूपाला जी ने, जो कि है यूनियन मिनिस्टर ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लॉन्च्ड द स्मार्ट प्रोग्राम इन जनवरी 2023? निम्नलिखित में से किसने जनवरी 2023 में स्मार्ट कार्यक्रम शुरू किया? तो किया है ऑप्शन डी मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने, ऑप्शन डी मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने लॉन्च किया स्मार्ट प्रोग्राम, जिसका फुल फॉर्म है स्कोप फॉर मेनस्ट्रीमिंग आयुर्वेदा रिसर्च इन टीचिंग प्रोफेशनल्स, स्कोप फॉर मेनस्ट्रीमिंग आयुर्वेदा रिसर्च इन टीचिंग प्रोफेशनल्स। तो वहीं इस प्रोग्राम के तहत जितने भी भारत में आयुर्वेदा कॉलेजेस और हॉस्पिटल है उनमें जो हेल्थ केयर से जुड़े रिसर्च चल रहे हैं उसको सरकार इस प्रोग्राम के तहत बूस्ट करेगी। वहीं जो वर्ड आयुष है ये भारत में जितने भी अल्टरनेटिव हेल्थ केयर सिस्टम है उनका एब्रिविएशन है, जिसका फुल फॉर्म है आयुर्वेदा योग नेचुरोपैथी यूनानी सिद्ध और होम्योपैथी। और वहीं जो आयुष के कैबिनेट मिनिस्टर है वो है सर्बानंदा सोनोवाल, सर्बानंदा सोनोवाल। रेलवे मिनिस्ट्री हैज आउटलाइंड अ 5-pronged प्लान टू बिकम कार्बन न्यूट्रल बाय विच ईयर? रेल मंत्रालय ने किस वर्ष तक कार्बन तटस्थ बनने के लिए 5-आयामी योजनाओं की रूपरेखा तैयार की है? तो रेलवे मिनिस्ट्री ने प्लान किया है कि वर्ष 2030 तक वो कार्बन न्यूट्रल अचीव कर लेंगे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी 2030। इंडिया साइंड अ कॉम्प्रिहेंसिव माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट विद विच कंट्री? भारत ने किस देश के साथ एक व्यापक प्रवासन और गतिशीलता साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किया? तो भारत ने ऑप्शन ए ऑस्ट्रिया के साथ इस कॉम्प्रिहेंसिव माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट को साइन किया है। तो ऑप्शन ए ऑस्ट्रिया इसका सही आंसर होगा।
authored the book The World of Family History? पुस्तक द वर्ल्ड अ फैमिली हिस्ट्री के लेखक कौन है? तो इस किताब के लेखक हैं ऑप्शन ए साइमन सेबैग मोंटेफ्योर, ऑप्शन ए साइमन सेबैग मोंटेफ्योर। विच स्टेट्स हॉकी टीम वन द खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 मेंस अंडर 18 टाइटल? खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 मेंस अंडर 18 का खिताब किस राज्य की हॉकी टीम ने जीता? तो जीता है ऑप्शन बी मध्य प्रदेश की टीम ने, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश ने उड़ीसा को 6-5 से हरा के इस खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 के मेंस अंडर 18 क्वालिफायर्स का टाइटल जीत लिया। और वहीं इस टूर्नामेंट का जो आयोजन हो रहा था वो भुवनेश्वर में किया जा रहा था। वहीं इसके साथ ही हरियाणा ने भी झारखंड को 2-0 से इस टूर्नामेंट में हराया। तो मध्य प्रदेश इस टूर्नामेंट में पहला स्थान प्राप्त किया, वहीं उड़ीसा दूसरा नंबर पे था, तो तीसरा स्थान प्राप्त किया हरियाणा ने, तो वहीं जो झारखंड था वो फोर्थ पोजीशन पे था। और वहीं जीत के साथ ये चारों राज्य क्वालिफाई कर गए हैं फॉर द खेलो इंडिया यूथ गेम्स। और इस खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन होगा अगले साल मध्य प्रदेश में। हु बिकेम इंडिया 78th ग्रैंड मास्टर? भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो वो बने ऑप्शन बी कौस्तव चटर्जी, ऑप्शन बी कौस्तव चटर्जी। तो MPL 59th नेशनल सीनियर चेस चैंपियनशिप को जीत के कौस्तव चटर्जी बने भारत के 78 ग्रैंड मास्टर। और वहीं इस 59th नेशनल सीनियर चेस चैंपियनशिप का आयोजन नई दिल्ली में हो रहा था। और वहीं इन्होंने अपना फाइनल मैच खेला था ग्रैंड मास्टर मित्राभा गुहा के अगेंस्ट, जो कि भारत के 72nd ग्रैंड मास्टर है। वहीं जो कौस्तव चटर्जी है वो बिलोंग करते हैं कलकत्ता से, और वहीं ये बंगाल के 10वें ग्रैंड मास्टर है। वहीं अगर बात हो रही है चेस की, तो आपको वर्ल्ड चेस फेडरेशन के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि ये वर्ष 1924 को फॉर्म हुआ था। वहीं इसका हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड का लुजैन। तो इसके करंट प्रेसिडेंट है अर्काडी वर्कोविच। और वहीं इसके साथ ही भारत के कुछ रीसेंट ग्रैंड मास्टर भी देख लेते हैं, जिसमें कि भारत के 17th ग्रैंड मास्टर बने थे तेलंगाना के राजा ऋत्विक। तो वहीं 71वें ग्रैंड मास्टर बने थे महाराष्ट्र के संकल्प गुप्ता। वहीं फिर 72वें ग्रैंड मास्टर बने थे भारत के, वो थे वेस्ट बंगाल के मित्रभा गुहा, जिनके बारे में अभी हमने बात किया था। वहीं फिर 73rd ग्रैंड मास्टर बने थे तमिलनाडु के भरत सुब्रमणियन। फिर तेलंगाना के राहुल श्रीवास्तव बने थे 74th ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया। तो वहीं 75वां ग्रैंड मास्टर बने थे तमिलनाडु के वी प्रणव। वही 76th बने थे कर्नाटक के प्रणव आनंद। तो प्रणव आनंद और वी प्रणव में आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। वही 77 ग्रैंड मास्टर बने थे वो थे महाराष्ट्र के आदित्य मित्तल। और वही जो करंट यानी कि 78 ग्रैंड मास्टर बने हैं भारत के, वो हैं पश्चिम बंगाल से कौस्तव चटर्जी। तो ये जो क्वेश्चन है वो आपके लिए है कि इन विच ईयर सत्येंद्र नाथ बोस वॉज अवॉर्डेड पद्म विभूषण? सत्येंद्र नाथ बोस को किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? तो इसका सही आंसर आपको नीचे कमेंट करके बताना है। और वहीं इस लेक्चर का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल प्रेपनेशन में मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप वहां पे जाके उसे डाउनलोड कर सकते हैं। और वहीं अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और वहीं अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।